नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट गाइड क्वेश्चन पेपर 2022 सीरीज ए के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, और सारा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा आपको। और इसके बारे में यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे टोटल, तो यहाँ पर 90 टोटल क्वेश्चन थे और टोटल जो मार्क्स थे वो 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। और यहाँ पर ड्यूरेशन जो आपको टाइम दे रखा था दोस्तों, तो यहाँ पर 2 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ था। 2 आवर्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना था कंप्लीट। और यहाँ पर आप पेपर कोड देख सकते हो और यहाँ पर आप सीरीज़ देख सकते हो, ए सीरीज़ का ये पेपर है। और ये आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती थी, आपका नाम और रोल नंबर, फादर्स नेम और सिग्नेचर, ये सारी आपको बेसिक डिटेल फिल करनी थी। इसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो यहाँ से आपको बताना था, यहाँ से आपको कमेंट भी करना है अभी कि यहाँ पर कौन सा है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है इनमें से, मेवाड़ का प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर प्रजामंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन था, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसको जल्दी से आपको बताना है, बयाना का युद्ध, खतौली का युद्ध, मालवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खातोली का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, स्टेट गाइड की जो बी सीरीज़ थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे उसके बाद हम जयपुर के बारे में बात करेंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। सारे डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आंसर सहित आपको समझाऊंगा। जिस प्रकार इस वीडियो में समझा रहा हूँ उसी प्रकार मैं समझाऊंगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मैं वीडियो को आगे बढ़ा सकूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करो। और इसके बाद हम दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात हमने कर ली है और थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमको जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। तो जल्दी से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो यहाँ पर वो बताना कब लागू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1961, 1971, 1947 या फिर 1952। जल्दी से बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा है, कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। जल्दी से बताइए 5th क्वेश्चन का 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 6th क्वेश्चन की बात करें, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो यहाँ पर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग पूछा है। तो जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अजमेर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, राजस्थान का सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अलवर ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? तो उर्स का मेला कितने दिन चलता है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 इसका आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 6 दिन का यहाँ पर उर्स का मेला चलता है
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नवे क्वेश्चन के बारे में। सिसोदिया रानी का बाग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सिसोदिया रानी का बाग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर। जल्दी से बताइए कहाँ पर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दसवीं क्वेश्चन के बारे में। किस दुर्ग में जयवान तोप स्थापित है? तो कौन से दुर्ग में दोस्तों जयवान तोप रखी हुई है? जल्दी से बताइए, जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ या फिर रणथंभौर। चारों दुर्ग में से आपको बताना है कौन से दुर्ग में जयवान तोप रखी हुई है। इसका राइट आंसर दोस्तों जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन के बारे में। किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जानते हैं? तो गढ़बिठली के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं दोस्तों? तो ग्यारहवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या फिर कुंभलगढ़। जल्दी से चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बारहवां क्वेश्चन है आपके सामने। रानी जी की बावड़ी किस ज़िले में है? जल्दी से बताना है आपको, जोधपुर, बूंदी, दौसा, सिरोही। जल्दी से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बारहवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तेरहवें क्वेश्चन के बारे में। गोरा बादल महल और नवल का बुर्ज किस दुर्ग में स्थापित है? जल्दी से आपको बताना है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालौर या फिर रणथंभौर। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा। जल्दी से बताइए तेरहवे का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें चौदहवें क्वेश्चन के बारे में। ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी से आपको बताना है, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। चार ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो कौन सा है जल्दी से बताइए। चौदहवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पंद्रहवें क्वेश्चन के बारे में। महाराणा प्रताप का यहाँ पर जन्म पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस किले में हुआ? तो महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म किस किले में हुआ, यहाँ पर किला पूछा गया है कि जन्म किस किले में हुआ महाराणा प्रताप का। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ या फिर गागरौन। ये चार दुर्ग हैं, उनमें से बताइए किस दुर्ग में हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोलहवें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थानी त्योहारों में से सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है, तीज, गणगौर, दीपावली, होली। जल्दी से आपको बताना है सोलहवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, गणगौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सत्रहवें क्वेश्चन के बारे में। गुलाबो किस खेल से विख्यात है? गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? जल्दी से आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए, खेलकूद, बी, लोक गायकी, सी, नटकला या फिर डी, लोक नृत्य। जल्दी से आपको सत्रहवें का राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अठारहवें क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल होता है? तो यहाँ पर आपको एक लोक वाद्य यंत्र बताना है, लोक वाद्य यंत्र बताना है जो बांस से लंबा तना होता है और जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधा नारियल खोल से जुड़ा होता है। तो वो इसका राइट आंसर बताना है, रावण हत्ता, धाप, अलगोजा या बभफंग। तो अठारहवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रावण हत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उन्नीसवें क्वेश्चन के बारे में। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग दोस्तों राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या फिर मारवाड़। जल्दी से आपको उन्नीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीसवें क्वेश्चन के बारे में। रागड़ी क्या है? जल्दी से आपको बताना है, एक जाति, एक नृत्य, एक बोली या फिर एक गाली। जल्दी से आपको बीसवें का क्वेश्चन का आंसर बताना है कि बीसवें क्वेश्चन का राइट करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, एक बोली है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इक्कीसवें क्वेश्चन के बारे में। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? जल्दी से आपको बताना है, भील, सांसी, डामोर, मीना। जल्दी से आपको इक्कीसवें का राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इक्कीसवें का राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, अब्दुल कलाम, हरिदेव जोशी। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल हैं, ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन आया है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको जल्दी से बताना है आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुखाड़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का राज्य खेल है, तो जल्दी से आपको बताना है फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल या फिर तैराकी। जल्दी से आपको 23वें का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल ही बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये जल्दी से आपको देना 30 अक्टूबर, 30 जनवरी, 30 मार्च या फिर 14 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च को हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है? सबको पता है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 26वें क्वेश्चन के बारे में। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से बताना है दोस्तों टोंक किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में। तो 27वां क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? यहाँ से आपको बताना है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बुक्स में बीकानेर भी दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों बाड़मेर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन के बारे में। तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है, तो तेजाजी का मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जल्दी से आपको बताना है राइट क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पर्वतसर, ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 29वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में भरता है? जल्दी से आपको बताना है पौष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ। जल्दी से बताना है। 29वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माघ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 30वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये बताना है आपको माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन के बारे में। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है, जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर केसरोरा पाटन, पुष्कर, झालरा पाटन या फिर सिरोही। जल्दी से आपको बताना है 31वें का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, झालरा पाटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 32वें क्वेश्चन के बारे में। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? जल्दी से आपको बताना है यहाँ पर कौन सा मेला प्रसिद्ध है बैलगाड़ी मेले के नाम से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीतला माता का मेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 33वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तो जल्दी से बात आपको बताना है राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, विजय मंदिरगढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग। जल्दी से कमेंट करें और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़ दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 34वें क्वेश्चन के बारे में। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर आपको बताना है सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह या फिर राय सिंह। जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35वें के बारे में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो 35वें का राइट आंसर जल्दी से आपको बताना है जयगढ़, बाड़मेर, आमेर या फिर रणथंभौर। जल्दी से 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर इसका डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 36वें क्वेश्चन के बारे में। बीसलपुर बांध किस जिले में है?
जल्दी से आपको बताना है, टोंक, पाली, सिरोही, नागौर, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट करें कि बीसलपुर बांध किस ज़िले में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टोंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 37वें क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो जल्दी से आपको बताना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला आंबा नहर परियोजना, मुड़गाम नहर परियोजना। जल्दी से आपको चार ऑप्शनों में से एक राइट आंसर बताना है। इसका 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है? तो 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है? तो जल्दी से आपको बताना है, रावी, सतलज, घाघरा या फिर यमुना। जल्दी से 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। तो 39वें क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? मातृकुंडिया, पुष्कर, मंचकुंड तीर्थ, नंदिनी माता तीर्थ। तो जल्दी से आपको बताना है 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी पुष्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, बागड़ की मीरा कहाँ जाता है? तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मीराबाई, ज्ञान कंवर, गबरी बाई या फिर सबरी बाई। जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गबरी बाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 42वें क्वेश्चन के बारे में। किस शहर के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ जैसे घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 43वें क्वेश्चन के बारे में। 100 दीपों का शहर के रूप में विख्यात है। तो 100 दीपों का शहर दोस्तों किस कौन से ज़िले को कहा जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 44वें क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जयपुर और टोंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 45वां क्वेश्चन कनक सागर है। तो कनक सागर दोस्तों क्या है? जल्दी से आपको बताना है, बाघ संरक्षित क्षेत्र, काष्ठ जीवाशेष पार्क, पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग पार्क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पक्षी अभयारण्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 46वें क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। तो कुरंजा पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों खीचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खीचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पक्षी अभयारण्य, पक्षी यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। घना पक्षी विहार जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ मुख्य आकर्षण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साइबेरियन क्रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 48वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो जल्दी से आपको बताना है, उड़न गिलहरी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों ये सीताराम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। उड़न गैलरी पाई जाती है, यहाँ पर प्रतापगढ़ में स्थित है उड़न गैलरी, यहाँ पर पाई जाती है। और ये वन्यजीव अभयारण्य है प्रतापगढ़ में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 49वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के किस अभयारण्य
राजस्थान के किस अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर माउंट आबू? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवलादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 50वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? जल्दी से आपको बताना है, यहाँ पर लोकसभा सीटें पूछा गया है दोस्तों। लोकसभा सीटें यहाँ पर टोटल 25 हैं, और अगर विधानसभा पूछता तो यहाँ पर 200 होती। तो यहाँ पर लोकसभा पूछा है तो 25 सीटें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 91वें क्वेश्चन के बारे में। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो जल्दी से आपको बताना है 91वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 52वें क्वेश्चन के बारे में। सरिस्का किस जिले में है? ये तो सबको पता है, सरिस्का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अलवर जिले में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 53वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जल्दी से आपको बताना है, ये तो बिल्कुल ही रसगुल्ला सवाल है दोस्तों। गुरु शिखा सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिल्कुल हलवा की तो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो पहले यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया है ऊपर ही कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला वो बाड़मेर था, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो ये तो हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपको चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री विश्वेंद्र सिंह, 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 56वें क्वेश्चन के बारे में। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो देश का प्रथम राज्य कौन है तो आपको बताना है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आपको बताना है, 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का वह नगर जहाँ वाणिज्यिक हवाई अड्डा नहीं है, वह है। तो वाणिज्यिक हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर नहीं है, और वो यहाँ पर जिला है उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। तो 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी यहाँ पर पूछ लिया है दोस्तों, राज्य पक्षी बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य पक्षी गीदड़, गरवा, घूमर। राज्य नृत्य यहाँ पर पूछा है दोस्तों, राज्य नृत्य यहाँ पर कौन सा है? बिल्कुल ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, गीदड़, गरबा या फिर घूमर या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य नृत्य दोस्तों घूमर है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों, ये भी बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। राज्य वृक्ष दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 60वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 61वें क्वेश्चन के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है या फिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर यह बनाया जा रहा है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रावतबाटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 62वें क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो जल्दी से आपको इसका राइट आंसर दोस्तों बताना है। 62वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूमा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 63वें क्वेश्चन के बारे में। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस वीर शिरोमणि पर सितंबर 2021 में डाक टिकट जारी किया गया? तो जल्दी से आपको बताना है। 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
जयमल राठौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 64 क्वेश्चन के बारे में, लोक देवी श्री करणी जी का मुख्य मंदिर स्थित है तो कहाँ पर है दोस्तों? करणी जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर यानी देशनोक, देशनोक दोस्तों बीकानेर में पड़ता है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी देशनोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन के बारे में, मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है तो जल्दी से आपको बताना है कौन सी पहाड़ी है वो जो मेहरानगढ़ दुर्ग उस पर बना हुआ है। तो 65 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिड़ियाटूक पहाड़ी, यहाँ पर राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन के बारे में, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है तो यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। 66 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तिलवाड़ा बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर है 66 क्वेश्चन आपके सामने है, उदयपुर के पास एकलिंग जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों उदयपुर के पास एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बप्पा रावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन के बारे में, नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर किस भगवान को समर्पित है, जल्दी से आपको बताना है राम कृष्ण शिव लक्ष्मी तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 69वें क्वेश्चन के बारे में, किस पेंटिंग को भारतीय कला की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से आपको बताना है तो इसका राइट आंसर दोस्तों 69वें क्वेश्चन का राइट आंसर बनी ठनी, तो यहाँ पर बनी बनी नहीं है दोस्तों, ये पेपर में टाइप करने में कुछ यहाँ पर कमी रह गई है, यहाँ पर बनी ठनी है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर बनी ठनी आपको करना है तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनी ठनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के बारे में, निहाल चंद पेंटिंग के स्कूल से जुड़े कलाकार हैं तो कौन से स्कूल से जुड़े यहाँ पर कलाकार हैं तो ये नाथद्वारा किशनगढ़ बूंदी मारवाड़, जल्दी से बताइए 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो 17वां यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 71वें क्वेश्चन के बारे में, आपके सामने 71वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग ढोला मारू शैली का एक उदाहरण है तो कौन सी शैली का उदाहरण है दोस्तों, जोधपुर किशनगढ़ बूंदी कोटा तो इसका ऑप्शन नंबर ए जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 72वें क्वेश्चन के बारे में, कुर्जन मांड शैली में अलगाव का गीत है जो एक जो ऋतु का है तो कौन सी ऋतु का है, सर्दी गर्मी बरसात बसंत, जल्दी से आपको बताना है 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बरसात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 73वें क्वेश्चन के बारे में, कौन सा वाद्य यंत्र मोटे तौर पर बांसुरी के सिद्धांत पर कार्य करता है तो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, अलगोजा पापंग रावणत्ता या फिर तंदूरा, जल्दी से आपको 73वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलगोजा राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 74वें क्वेश्चन के बारे में, गैर नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है, दीपावली होली मकर संक्रांति रक्षाबंधन, जल्दी से आपको बताना है 74वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 75वें क्वेश्चन के बारे में, वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है, जल्दी से आपको बताना है इसमें से तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया इसका ऑप्शन राइट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 76वें क्वेश्चन के बारे में, बिंदौरी किसका लोक नृत्य है तो बिंदौरी दोस्तों किसका लोक नृत्य है, किशनगढ़ जयपुर जोधपुर झालावाड़ा तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 77वें क्वेश्चन के बारे में, शाहपुरा भीलवाड़ा में निम्नलिखित संप्रदाय का मुख्य पीठ है तो कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है, दादू बल्लभ निम्बार्क रामशनेई तो 77वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामशनेई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 78वें क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक खेजड़ी का पेड़ है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोगा जी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 79वें क्वेश्चन के बारे में, हल्दीघाटी का युद्ध
कब लड़ा गया, जल्दी से आपको बताना है ये कब लड़ा गया, 1675, 1576, 1592 या फिर 1623। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1576 में राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, लेकिन राजा मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी थी, तो दोस्तों वो कौन सी रानी थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करमवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करमवती ने क्यों भेजी थी, क्योंकि तो जब गुजरात का शासक बहादुर शाह था वो चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था, तो इसने करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी मदद के लिए। तो हुमायूं ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उसके बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और करमवती ने अनेक महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, और चित्तौड़गढ़ में ये जौहर भी हुआ था उस समय। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 81 क्वेश्चन के बारे में, किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो जल्दी से आपको बताना है झीलों का शहर कौन किसे कहा जाता है, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से आपको बताना है 82 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 83 क्वेश्चन के बारे में, ताज समूह द्वारा प्रबंधित होटल रामबाग पैलेस राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जल्दी से आपको बताना है बूंदी, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयपुर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 84वें क्वेश्चन के बारे में, लाल मांस का रंग और स्वाद लाल मिर्च की एक विशेष प्रजाति से प्राप्त होता है, जिसे इस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है। दोस्तों जल्दी से आपको बताना है 84 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मथानिया मिर्च, मथानिया मिर्ची इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 85वें क्वेश्चन के बारे में, महिलाओं द्वारा शिकार को आमतौर पर पेंटिंग की किस शैली में दिखाया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है 85वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्री लाल जोशी कला के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है पिचवई, मांडना, फड़ या फिर कत्थक। जल्दी से आपको बताना है 86 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फड़ हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फड़। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 87 क्वेश्चन के बारे में, उदयपुर राजस्थान में क्षेत्र का एक हिस्सा है, तो कौन से क्षेत्र का है दोस्तों, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या फिर बागड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने तीरंदाजी कौशल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। तो जल्दी से आपको बताना है सांसी, कंजर, भील, सहरिया। इसका राइट आंसर दोस्तों 88 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भील ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 89 क्वेश्चन के बारे में, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये 89 क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, तो जल्दी से आपको बताना है उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, रम्मत क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। जल्दी से आपको बताना है 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लोक नाट्य करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको सारा पेपर के बारे में यहाँ पर कंप्लीट बता दिया है, टोटल 90 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में जयपुर के बारे में और सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, सवाई माधोपुर के बारे में बताऊंगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का पेपर के बारे में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, और लोग तक भी इस पेपर को सॉल्व कर देना है, शेयर करना है आपको, और इस पेपर को आपको सभी को शेयर करना बताना है, और आपको सभी पेपर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए
और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी ही यहाँ पर डाल देंगे, तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।